कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा प्रॉपर गरम हो गया, अब हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा हमारा जब ये तड़कने लगेगा अच्छे से, हम जाएंगे लहसुन और मिर्च धीमा कर लेंगे। अब हम मसाला डालेंगे इसमें, एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ स्पून से भी कम एक स्पून लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से हम भूनेंगे कलर आने तक। अब हम डाल देंगे इसमें घी, अगर घी का जो हमने छिकल को काटा था अच्छे से इसको डालेंगे। इसमें हम आलू भी डाल लेंगे जो हमने काटा था। 4 से 5 मिनट तक इसको भूनने देंगे। इसी पर भून जाएगा तब थोड़ा सा नमक, तब हम नमक डालेंगे इसमें, तब तक थोड़ा सा कम हो जाएगा भून के, तब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलिए देखते हैं, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे, ढक देंगे। और बहुत ही स्वाद सब्जी होती है बनाने में, आप बनाइएगा और खाइएगा। अच्छे से ढक देते हैं और धीमे आँच पे धीरे धीरे बनाएंगे इसको। बिल्कुल सूखी सब्जी बनेगी ये, देखिए बिल्कुल सब्जी सूख गई है हमारी और अच्छे से भुन गई है। बताती रही हूँ जिससे सब्जी बीच नीचे लगे नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ स्पून से भी कम आमचूर पाउडर। इसको सर्व करते हैं और धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। ये हमारा घी की छिकल की और आलू की सब्जी बनके तैयार है, और खाइए एंजॉय कीजिए। और इसे दाल चावल से, पराठे से, चपाती से, किसी चीज़ से भी खाया जा सकता है। बहुत ही आसानी से बनने वाली सब्जी है ये और हेल्दी सब्जी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।